पेशन वो चीज़ है जिसके लिए आपको तनख्वाह ना दी जाए फिर भी आप उसे करने के लिए तैयार रहते हैं। तो वेलकम गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं उस शख्स के बारे में जिस शख्स ने कभी अपने पेशन को छोटा नहीं समझा, अपने पेशन को कभी छोड़ा नहीं, उस पेशन को सिंसियरिटी के साथ फॉलो करते हुए आज मेहनत करके एक मुकाम हासिल कर लिया है और पूरे विश्व भर में अपनी पहचान बना चुके हैं। उनका नाम है संजीव कपूर। जी हाँ, संजीव कपूर। आप में से बहुत सारे लोग इनके बारे में सुना भी होगा और जाना भी होगा, और यदि नहीं तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना। मैं इसमें शेफ संजीव कपूर ने किस तरह अपने पेशन को फॉलो करते हुए एक एम्पायर बना दिया उसके बारे में बताऊंगा। संजीव कपूर को बचपन से खाना बनाने का बहुत शौक था। ये अक्सर टाइम अपना किचन में ही बिताते थे। कुछ समय तक इनके पेरेंट्स भी चिंतित रहते थे, यह इसकी कैसी हॉबी है, पूरे दिन किचन में रहता है, खाना बनाने का इतना ज़्यादा शौक है, पढ़ने का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। इनके फ्रेंड्स भी इनका मजाक बनाते थे कि ये तो क्या करता रहता है पूरे दिन किचन में, कभी बाहर आ जाया कर, चिल मारा कर, ये तो औरतों का काम है। बट इन्होंने सिर्फ अपने मन की सुनी, अपने पेशन को सिंसियरिटी के साथ फॉलो करते रहे और आज इन्होंने संजीव कपूर ने सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व भर में अपनी पहचान बनाई। देखते ही देखते 27 की उम्र में ये सबसे पॉपुलर शेफ बने। आज इनकी कंपनी का 1000 करोड़ से भी ज़्यादा का वैल्यूएशन है। 11 देशों के 40 शहरों में इनके 100 से भी ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं और ज़बरदस्त इनकी सोशल फॉलोइंग है, चाहे आप वो यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक, हर प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हो। सबसे पहले इन्होंने एक यूट्यूब चैनल खाना खजाना से शुरुआत की, देन इन्होंने सिग्नेचर, द येलो चिली, ग्रेन ऑफ सोल्ट और भी कई ब्रांड्स ओपन की। संजीव कपूर का कहना था, यदि आपको मज़ा रास्ता बनाने में आता है तो आप लीडर बनते हैं, और अगर आपको किसी का रास्ता फॉलो करने में मज़ा आता है तो आप फॉलोअर बनते हैं। सोच लो दोस्तों, आपको लीडर बनना है या फॉलोअर। मेरा इस वीडियो के माध्यम से बस आपको यही मैसेज देना था कि आपका जो भी पैशन हो, आप जो भी करना पसंद करते हो, उसे पूरी शिद्दत से करो, पूरी मेहनत से करो। कहते हैं अगर किसी चीज़ को बड़ी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात जुट जाती है उस चीज़ से मिलाने को। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका हृदयपूर्वक आभार। आगे भी इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, जिससे मेरा भी हौसला अफजाई हो।